विवाह हो या पार्टी, हर प्रकार के स्वर्ण आभूषणों की करें खरीदारी, मिलेगा सुख समृद्धि और आनंद रूप अलंकार ज्वेलर्स के संग। 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का एकमात्र संस्थान रूप अलंकार ज्वेलर्स, मेन रोड गढ़वा। केतार से इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। केतार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मुकुंदपुर पंचायत सचिवालय के सभागार कक्ष में पैक्स अध्यक्ष योगेंद्र कुमार सिंह के द्वारा क्रय किया हुआ धान रखे जाने को लेकर मुखिया संगीता देवी सहित सभी वार्ड सदस्यों ने जमकर विरोध किया। संगीता देवी ने बताया कि पंचायत सचिवालय के सभागार कक्ष में कार्यकारिणी व अन्य प्रकार के हमेशा बैठक होती रहती है, क्रय किया हुआ धान रखे जाने से बाधा उत्पन्न हो रही है। वहीं उक्त मुखिया एवं उप मुखिया ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछुआ तत्काल सभागार कक्ष को खाली कराने को लेकर नाराजगी जताते हुए हस्ताक्षर युक्त आवेदन दिया है। पैक्स अध्यक्ष योगेंद्र कुमार सिंह से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा धान अधिप्राप्ति के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से पंचायत सचिवालय एवं मध्य विद्यालय के 2 कमरा उपलब्ध कराने हेतु आवेदन दिया गया था, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सहमति जताते हुए कमरा उपलब्ध कराने हेतु पंचायत सचिव एवं विद्यालय से संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई, जिसके उपरांत मेरे द्वारा 22 जनवरी को भंडार गृह भर जाने एवं खराब मौसम को देखते हुए क्रय किया हुआ धान पंचायत सचिवालय में रखा गया। मामले में पूछे जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने दूरभाष पर इस मामले में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जिसकी जांच सोमवार को की जाएगी। मौके पर उप मुखिया मणिलाल कुमार गुप्ता, मुखिया प्रतिनिधि ब्रह्मदेव कुमार, वार्ड सदस्य उषा देवी, नंद किशोर प्रसाद, पूजन साह, धर्मेंद्र सिंह, इमामुद्दीन अंसारी, नंदू साह, वीरेंद्र साह, शंभू ठाकुर, संगीता कुंवर, रानी देवी, दिनेश गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे।